हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विक्रांत गुप्ता, मथुरा आश्रम महाविद्यालय। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा प्रीवियस बहुत सारा लेक्चर हो चुका है और प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था इनपुट डिवाइस के बारे में, कंप्यूटर फंडामेंटल के इनपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइस होता क्या है, और वैसे ही आज हम देख रहे हैं यहाँ पर आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में जानने के पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि आउटपुट क्या होता है। जो भी इनपुट हम डेटा या सूचना के रूप में कंप्यूटर सिस्टम प्रवेश कराते हैं इनपुट उपकरणों के माध्यम से, जैसे कीबोर्ड, माउस इत्यादि जो विशेष डिवाइसेस हैं, एमआर, ओसीआर वगैरह, उनके सहायता से जो भी इनपुट और डेटा हम प्रवेश करा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, उसको प्रक्रिया पश्चात जो परिणाम हमको प्राप्त होता है वो हमारा आउटपुट कहलाता है। और उस आउटपुट को जिन उपकरणों के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो जब हम आउटपुट के बारे में बात करते हैं तो जो परिणाम हमारा है और जिन उपकरणों के माध्यम से हम उसको प्राप्त कर रहे हैं वो आउटपुट डिवाइस, वो कितने प्रकार के होते हैं वो आज हम यहाँ पर देखते हैं। तो आउटपुट डिवाइस को हमने दो दोस्तों में कैटेगराइज किया है, पहला है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और दूसरा होता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। नाम से ही पता चल रहा है कि सॉफ्टली अवेलेबल है, यानी या तो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होगा या एक वॉइस फ्रीक्वेंसी के रूप में अवेलेबल होगा जिसकी सहायता से हम आउटपुट को प्राप्त कर रहे हैं। उसी तरह दूसरा होता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो पेपर फॉर्मेट में होगा, एक हार्ड मटेरियल में प्रिंट आउट के रूप में हमारे सामने अवेलेबल होता है, वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो जब हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला जो आउटपुट डिवाइस आता है, जो बेसिक है, जिसके बिना हम अपने आउटपुट को डिजिटल फॉर्मेट में नहीं देख सकते हैं, वो होता है हमारा मॉनिटर। तो मॉनिटर इज अ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस बाय व्हिच वी कैन रिसीव आवर आउटपुट इन अ डिजिटल फॉर्मेट। ठीक है, तो मॉनिटर की जब हम बात करते हैं तो कोई डिजिटल फॉर्मेट एक टीवी पैनल के रूप में हमको दिखाई देता है। तो जब हम मॉनिटर के बारे में बात करते हैं और उसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से तीन प्रकार का मॉनिटर हमारे सामने आता है। पहला होता है आपका सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर की जब हम बात करते हैं तो उसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। तो जो पुराने ओल्ड मॉडल थे, जो टीवी आते थे उसमें पिक्चर ट्यूब लगा होता था, उसी प्रकार इन मॉनिटर्स में भी कैथोड रे ट्यूब लगा होता था। वो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार दिखाई देता है, आप देख सकते हैं कि एक पैनल है जिसमें एक फास्फर कोटिंग प्लेट लगा होता है जो ग्लास में दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन से हम क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट करते हैं। इस पैनल को टकराने के बाद वो क्या करता है, उसका रिफ्लेक्शन जो उल्टा पड़ता होता है वो हमको सीधा दिखाई देता है। तो ये सीआरटी मॉनिटर कहलाता है, जब सीआरटी की बात करते हैं। और दूसरा होता है हमारा एलसीडी मॉनिटर, जो जिसको हम टीएफटी भी बोलते हैं, थिन फ्लैट जो टेबल होता है, जो थिन फ्लैट पैनल डिवाइस होता है, जो फ्लैट पैनल डिवाइस है वहां पर वो क्या कहला रहा है, एलसीडी आता है। दूसरा होता है आपका एलईडी। ठीक है, जब हम एलसीडी की बात कर रहे होते हैं तो एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी क्रिस्टल प्लेट्स होती है जो मल्टीपल कलर्स को जनरेट करती है। जब हम सीआरटी बात करें, हम इसके जब कलर ग्राफिक्स ग्राफिक्स की बात करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कि कितने प्रकार की कलरिंग वो जनरेट करता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होता है, क्रिस्टल जो प्लेट्स होती है उसमें वो अप्रॉक्स 16 लाख कलर को क्या कर सकता है, जनरेट करने की क्षमता रखता है, लेकिन वो ज्यादा सिक्योर नहीं होता है, यानी उसकी रिलायबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है। उसके बाद आता है आपका एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड वाला जो फ्लैट पैनल डिवाइस आ रहा है, ये आज टीवी में भी आ रहा है और मॉनिटर्स के रूप में भी अवेलेबल हो रहा है, जहां हम अपने ब्लू लाइटिंग जो है एमिटिंग डायोड है ना, एलईडी जो है ब्लू एलईडी के माध्यम से हम अपने डिस्प्ले को वहां पर कैप्चर कर पाते हैं और अपने पिक्चर्स या इमेज या ग्राफिक्स को कलरफुल पैनल के रूप में हम वहां पर एक्सेस कर पाते हैं। तो जब हम एलईडी की बात कर रहे हैं, लाइट एमिटिंग डायोड की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा जो है मॉनिटर फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं उसके कलर की बात करते हैं, कलर के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो हमारा आ रहा होता है जब हम स्टार्टिंग किए तो वो ब्लैक एंड व्हाइट, जिसको हम मोनोक्रोम भी कह रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं मोनोक्रोम। मोनोक्रोम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मोनो यानी सिंगल और क्रोम यानी उसका कलर जो है, तो वहां पर वो दिखाई देता है ब्लैक एंड व्हाइट। जब स्टार्टिंग में जब मॉनिटर्स आए, जो आपका टीवी आ रहा था, टेलीविजन आ रहा था, वो ब्लैक एंड व्हाइट ही हुआ करता था। उसके बाद थोड़े कलर्स के लिए वहां पर ग्रे शैडो प्रोवाइड किया गया, जिसको ग्रे स्केल मॉनिटर भी कहा जाता था, जिसमें शैडो दिखाई देने लगी, हर पिक्चर्स के हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग इमेज भी वहां पर हम आसानी से देख सक रहे थे। उसके बाद आया कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर बेसिकली तीन कलर से मिलकर बनता है, आरजीबी, आरजीबी टाइप के रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीन बेसिक कलर के कॉम्बिनेशन से वो क्या करता है, पिक्चर्स को वहां पर जनरेट करता है। ठीक है, और अगर हम उसके ग्राफिक्स अडैप्टर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं वीजीए, वीडियो ग्राफिक्स अडैप्टर। वैसे ही
एडाप्टर ईजीए एनहांस ग्राफिक्स एडाप्टर जो होता है हमारा एलजीए प्लस ग्राफिक्स एडाप्टर वैसे ही क्या होता है उसके एक पर्टिकुलर एडाप्टर को मॉनिटर प्रोवाइड करता है। मॉनिटर बेसिकली सॉफ्टवेयर के आउटपुट डिवाइस है जो डिजिटल फॉर्मेट में आपको क्या कर रहा है डेटा को जनरेट करके दे रहा है। तो जब वो डिजिटल फॉर्मेट में जनरेट कर रहा होता है तो वहां पर वो रास्टर स्कैन या जिगजैग पैटर्न में वो क्या करता है इमेज को जनरेट करता रहता है जिसकी रिफ्रेश रेट ज्यादा होती है और वो रिफ्रेश रेट जितने पिक्सल्स को पिक्सल दैट मींस यहां पर ग्रुप ऑफ डॉट्स से होता है जो डॉट पीच होते हैं पैनल में की स्क्रीन है मान लीजिए ग्राफिक्स जनरेट कर रहा है तो वहां पर ये पर्टिकुलर क्या होता है डॉट पीच होते हैं जितने डॉट पीच के बीच में गैप कम होता है वैसे तो बेसिकली डॉट दो डॉट पीच के बीच का गैप होता है 0.015 ये होता है मिलीमीटर ठीक है इतना शॉर्ट फॉर्म ही होता है अगर होता है 0.015 और 0.030 मिलीमीटर डॉट पीच का गैप होता है तो जितना ये कम होगा उतना ज्यादा पिक्सल्स होंगे जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे रिफ्रेश रेट उतना ज्यादा होगा और वो क्या करेगा आपको एक बहुत अच्छा रिजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या था मॉनिटर है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा जो सॉफ्टवेयर आउटपुट डिवाइस होता है स्पीकर। स्पीकर आप सभी फैमिलियर है एक डिवाइस होता है जिसके माध्यम हम साउंड को सुन पाते हैं। तो जो साउंड जनरेट कर रहा है वॉइस सिंथेसाइजर के अकॉर्डिंग जब आप उसमें साउंड जनरेट करवाते हैं तो स्पीकर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है और फ्रीक्वेंसी के माध्यम से जो सॉफ्ट कॉपी आपके आउटपुट की वॉइस की या जो साउंड की सॉफ्ट कॉपी जनरेट हो रही है जिसको आप सुन सकते हैं लेकिन आप उसको ना टच कर पा रहे हैं ना आप उसको फिजिकली देख पा रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाता है। उसी तरह जब बात करते हैं हम लोग हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस सेकंड फेज की जब बात करते हैं तो हमारा आता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। हार्ड कॉपी नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्रिंटेड मटेरियल में अवेलेबल है जो हार्ड कॉपी के रूप में अवेलेबल है जिसको हम बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के हम क्या कर सकते हैं एनीवेयर कैरी कर सकते हैं कहीं भी हम उसको रीड कर सकते हैं डेटा को। क्योंकि जब आप सॉफ्ट कॉपी की बात करते हैं तो जब तक मॉनिटर स्क्रीन नहीं होगी आप सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का सॉफ्ट कॉपी आप देख नहीं सकते। जब अगर आप कब वो डेटा या इंफॉर्मेशन है अगर सीडी में कॉपी में डीवीडी में तो आप किसी उपयुक्त डिवाइस को बिना उपयोग किए आप उस डेटा को नहीं देख सकते हैं लेकिन प्रिंटेड मटेरियल जो होता है उसको आप आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हैं कहीं भी आप रीड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है प्रिंटर। प्रिंटर आप सभी फैमिलियर है देखा है आपने साइबर कैफे में टाइपिंग स्पॉट में आपका ऑफिस में घरों में सब जगह प्रिंटर होता है। तो जब हम प्रिंटर की बात करते हैं यहाँ पे मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं पहला होता है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट यानी जो प्रभाव डालता है ये इंपैक्ट नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पर जो होता है वहाँ पर हैमर लगा होता है हैमर का यूज किया जाता है एक रिबन होती है उस रिबन पे ये हैमर क्या करता है स्ट्रोक करता है जो भी लेटर्स होते हैं रिबन में जैसे टाइप राइटर मशीन आपने देखा होगा टाइप राइटर को एक रिबन लगी होती है और जैसे ही हम हैमर को क्लिक करते हैं वो हैमर का में करेक्टर जो लगा होता है वो करेक्टर क्या होता है उसको चोट करता है चोट करते ही कलर जो है रिबन का जो कलर है उसी करेक्टर के फॉर्म में पेपर में प्रिंट हो जाता है। उसी तरह हमारे यहाँ भी इंपैक्ट प्रिंटर में हैमर लगा होता है जो क्या करता है कलर कॉन्ट्रास्ट में रिबन पे स्ट्रोक करता है और स्ट्रोक करके वो क्या करता है स्क्रीन पर हमारे पेपर पर करेक्टर को प्रिंट करने का कार्य करता है। जो इंपैक्ट प्रिंटर होता है नियर लेटर क्वालिटी या लेटर क्वालिटी का प्रिंटिंग इस आपको प्रोवाइड करता है। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं जब इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत तो सबसे पहले आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में बेसिकली 9 पिन या 24 पिन का कॉम्बिनेशन होता है। इस प्रकार से अगर एक कैरेक्टर हो रहा है तो ये ए लिखने के लिए 9 पिन का कॉम्बिनेशन बना लेता है ए के लिए। अब ये क्या करता है एक बार तो स्ट्रोक करके जाता है रिबन पे और दोबारा फिर उसके ऊपर स्ट्रोक करता है तो नियर लेटर क्वालिटी जनरेट होती है। लेकिन जैसे पुराने बिजली बिल और हमारे पास जो घरों में आता था जिसमें हम जो पेपर हम लेटर पेपर इस्तेमाल करते थे वो क्या होता था दोनों तरफ में डॉट लगे होते थे है ना होल बने होते थे वो फंसा दिया जाता डॉट मैट्रिक्स में रिबन करके लपेट दिया जाता था और जैसे ही वो प्रिंट करता था तो एक बार वो घिस कर लाता था डॉट उसके ऊपर फिर से वो डॉट प्रिंट करता था हैमर स्ट्रोक करता जाता था और उसके आधार पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता था प्रिंटिंग को एक्सेप्ट करता था प्रिंट करता था। यहाँ पर जो जनरली उसका जनरेटिंग पावर होता है 30 से 100 और बाद में जो हायर क्वालिटी का आया वो 100 से 600 करेक्टर पर सेकेंड यानी डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंट करता है करेक्टर पर सेकेंड की दर से वो क्या करता है 30 से 100 करेक्टर पर सेकेंड या 100 से 200 करेक्टर पर सेकेंड या 100 से 600 करेक्टर पर सेकेंड के जो हायर क्वालिटी के डॉट मैट्रिक्स प्रिंट
सेंटीमीटर है वो कैरेक्टर पर सेकंड में प्रिंट करने की क्षमता रखता था। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसी प्रकार एक प्रिंटर का टाइप होता है डेजी व्हील। ठीक है, ये डेजी व्हील जो प्रिंटर है ये इस प्रकार से डेजी के जैसा फूल होता है, इसमें मल्टीपल पिंस लगी होती है इस प्रकार से और यहां पे कैरेक्टर भरे रहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये घूम घूम कर क्या होता है कैरेक्टर को प्रिंट करता जाता है डेजी व्हील प्रिंटर। ये भी नियर लेटर क्वालिटी की आपको एक डेजी फूल की तरह दिखाई देता है जो नियर लेटर क्वालिटी। ये बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती थी वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता था, जो अभी मार्केट से आउटडेटेड भी हो गया है। ठीक है, इसके बाद इंपैक्ट प्रिंटर की बात कर रहे थे अभी, यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर आ रहा है। लेकिन जब हम इंपैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं देखिए, तो हम इसको और कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। जब मैं आपको प्रिंटर के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इंपैक्ट प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो जिसमें हैमर नहीं होता, जो साउंड जनरेट नहीं करता। यहाँ पर इंपैक्ट प्रिंटर साउंड जनरेट करता था, जैसे वो प्रिंट करता था तो हैमर टकरा रहा है, स्ट्रोक कर रहा है, स्ट्रोक करने से साउंड जनरेट होता था। लेकिन यहाँ पे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आप देखें जैसे लेजर प्रिंटर, आप हर फैमिलियर है, हर कोई फैमिलियर है, लेजर प्रिंटर क्या होता है, जैसे ऑर्डर करते हैं हम लोग प्रिंटिंग का, वो पूरा लेजर प्रिंटर क्या कर देता है बिना स्ट्रोक किए पेपर में कलर पॉटरेज को प्रिंट कर देता है, या ब्लैक एंड व्हाइट पॉटरेज होगा तो उसको प्रिंट कर देता है। ठीक है, इसके बारे में प्रिंटर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से चर्चा करेंगे। इसके बाद होता है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर जो होता है एक्चुअली प्रिंटर का ही फॉर्म होता है, ये बहुत बड़े बड़े प्रिंटिंग डिवाइसेस होते हैं प्लॉटर, जिसकी सहायता से आप फ्लैग्स बैनर, आजकल जो फ्लैग्स बैनर छप रहे हैं उसको आप प्रिंट कर सकते हो। ये भी तीन प्रकार का होता है फ्लैट बैक प्लॉटर। ये एक बहुत बड़ा बेड की तरह संरचना होता है, 40 से 50 फीट का जो होता है ये प्लॉटर होता है, जिसमें आप अल्ट्रा मटेरियल को सरफेस पर बिछा देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं और वो क्या करता है उसको प्रिंट करता है। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट जो मटेरियल होता है प्लास्टिक का उसको आप बिछा देते हो और उसको वो प्रिंट करता है। इसमें क्या होता है सरफेस पर आप मटेरियल को बिछा देते हैं और पेन जो है मूव कर करके यहाँ पर प्रिंटिंग का कार्य करता है, इससे क्वालिटी अच्छी होती है। इसके बाद होता है आपका ड्रम प्लॉटर। दो ड्रम होते हैं उसमें वो मटेरियल लिपटा होता है और ड्रम भी मूव कर रहा है मटेरियल को और साथ साथ पेन भी मूव कर रहा है, इसलिए इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर आप 100 से 200 मीटर या 100 से 200 फीट का भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर फ्लैक्स वगैरह प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है इंकजेट प्लॉटर। इंकजेट प्लॉटर जो होता है वही टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो इंकजेट हमारा प्रिंटर करता है। इंकजेट प्रिंटर में नोजल लगा होता है और वो मटेरियल पर क्या करता है स्प्रे करता जाता है कलर्स को, जो ही जो तीन कलर से मिल रहा है CMYK कलर, बाद में इसमें चर्चा भी करेंगे, प्रिंटर के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, सियान, मैजेंटा और येलो और ब्लैक कलर के चार कलर वहां बेसिकली हम प्रोवाइड करते हैं, जिसकी सहायता से क्या करता है उसको कलरिंग करने का काम करता है। तो ये था हमारा जो है ओवरऑल आउटपुट डिवाइस है। फिर नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि प्रिंटर के बारे में, प्रिंटर एक अलग सवाल होता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट यू मीन बाय आउटपुट डिवाइसेस, राइटिंग स्टाइल या एक्सप्लेनेशन स्टाइल, तब आउटपुट के बारे में आप लिखेंगे और सारे टर्म्स को आप चूज करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्हाट इज प्रिंटर एक्सप्लेनेशन स्टाइल एग्जांपल, प्रॉपर एग्जांपल, तो वहां पर फिर हमको प्रिंटर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।